कांग्रेस पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इसी के चलते छतरपुर में भी जन आक्रोश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी शामिल हुए। अरुण यादव ने यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर कई बड़े आरोप लगाए। छतरपुर में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि खजुराहो से सांसद रहते हुए भी वीडी शर्मा ने कोई विकास कार्य नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा और उनके चेलों ने केन नदी से अवैध खनन कर रोजाना 50 लाख की रेत निकालकर यूपी भेज दी। जब उन्होंने इसका हिसाब लगाया तो पता चला कि हर महीने 15 करोड़ की रेत निकाली जा रही है। वीडी भाई ने अपने 5 साल के संसदीय कार्यकाल में अपने क्षेत्र में एक भी काम किया हो तो बता दो। आपके तो स्थानीय रहने वाले हैं, आपके सांसद हैं। मुझे बताया लोगों ने कि वीडी शर्मा जी, उनके चंदला के विधायक जी, उनके पन्ना के मंत्री जी, जिनका अमूमन समय केन नदी के किनारे बीतता है, तो मुझे पहले तो समझ में नहीं आया केन नदी किनारे ये लोग क्या करते हैं। जब बात मुझे लोगों ने कहा कि केन नदी से प्रतिदिन 50 लाख रुपए की अवैध रेत निकालकर उत्तर प्रदेश भेजी जाती, 50 लाख रुपए की, और जब महीने भर का हिसाब निकाला तो पता चला 15 करोड़ रुपए प्रति माह की अवैध रेत इस क्षेत्र से केन नदी से निकलकर यूपी और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जाती, 15 करोड़ प्रति माह। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।